नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अप्रैल माह से जो है अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जाएंगे और जितने भी सार्वजनिक जमीन होंगे, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं सार्वजनिक उपयोग होते हैं, जैसे कहीं नाला बनाना होता है, कहीं रोड बनाना होता है, कहीं रास्ता होता है, ये सारे जमीनों पर जो है अगर कोई पर्सनल व्यक्ति अतिक्रमण कर रखा है तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराए जाएंगे और सार्वजनिक उपयोग के लिए वो जमीनें फिर से खाली कर दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों ये अभियान जो है शुरू हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों शुक्रवार को जो है पटना नगर निगम में आप लोग देख रहे हैं कि न्यू बाईपास वाला नाला के पास अतिक्रमण कोई कर रखा था, वो अभियान शुरुआत की गई और पहले दिन जो है दोनों नाले के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला और बुलडोजर के माध्यम से हमने आपको बताया था कि जो है एक ऐसा अभियान चलेगा जितने भी अतिक्रमण कर रखे होंगे वो सारे जो है बुलडोजर के माध्यम से हटा दिए जाएंगे। और वहाँ पर पोस मशीन का भी शुभारम्भ किया गया है कि जो अतिक्रमण कर रखा है और जो बदमाशी कर रखा है उसे जो है तुरंत चालान काट दिया जाए ताकि वो जो अगला बार अतिक्रमण करने कि वो ना सोचे। क्योंकि अगर अतिक्रमण आप अभी हटा देते हैं, अपना पैसा जेब से खर्चा कर लेते हैं और बाद में जो है वो अतिक्रमण फिर करने के लिए सोचेगा, तो अगर एक बार उसका चलान अच्छा भारी कट जाएगा तो फिर दूसरा बार वो सोचेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर पॉस मशीन का भी काम कर दिया गया है ताकि जो अतिक्रमण कर रखे हैं दूसरा बार जो है अतिक्रमण करने की ना सोचे। देखिए यहाँ बुलडोजर के माध्यम से चला जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये अपडेट मैं इसलिए आपको बता रखा हूँ कि मान लीजिए आप भी बहुत परेशान हैं और ये अभियान अभी चल रहे हैं और आपका भी कहीं नाला जो है चाहे कहीं आपका रास्ता बंद कर दिया गया है, सार्वजनिक जमीन पर कोई पर्सनल व्यक्ति दबंगई करके अपना रखा है और सार्वजनिक उपयोग ना करके वो अपने उपयोग में ला रहा है, तो उस सब को हटाने के लिए जो है ये अभियान चलाया गया है। तो अब जो है अभियान जो है शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। अब जल्द से जल्द जो है आपको क्या करना है कि अगर इस तरह के अतिक्रमण हो रखे हैं और आपको जो है सार्वजनिक जमीने से आप लोग को जो आम लोग को परेशानी हो रहा है तो सिंपली जो है यहाँ पे जो भी लोग हैं एक आवेदन लेके अंचल में आप दीजिए, वो अतिक्रमण मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि इस अभियान में अगर आप फायदा लेते हैं तो हो सकता है कि अभी जो है अतिक्रमण मुक्त हो जाए, क्योंकि अभी अभियान चल रहा है इसलिए जो है हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मुझे ऐसा है दोस्तों कि आप ये काम जरूर करेंगे और अपना जो भी सार्वजनिक जमीने होंगे अभी जो है इस अभियान में शामिल होकर जो है उसे मुक्त कराएंगे। अगर दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आपको पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक कर लिए। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।